तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगी FYC प्रोफेशनल रेड वाइन फेशियल किट का रिव्यू। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ है मेरी FYC प्रोफेशनल रेड वाइन फेशियल किट। इसको यूज़ करने से बेसिकली आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट आता है और आपकी स्किन भी रिपेयर होती है। इसके ना टोटल आपको 6 स्टेप्स मिलेंगे। एंड बात की जाए इसके प्राइस की, इसका प्राइस है 299 रुपीज़, बट मुझे डिस्काउंट होके ये 290 रुपीज़ की मिली थी। इसको मैंने लोकल स्टोर से परचेज करा था। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका, पर्पल पे भी अवेलेबल है और ये बहुत अच्छी ब्रांड है। इससे पहले ही मैंने इस ब्रांड के बहुत प्रोडक्ट यूज़ करे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इसमें और भी आपको मिल जाएंगे वेरिएंट। इसमें आप ब्लैक लोटस भी आता है एक वेरिएंट, बट मैंने यहाँ पर रेड वाइन लिया। अगर आप चाहते हो मैं वो भी आपसे शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसके अंदर आपको मिलता है टोटल 6 स्टेप्स। फर्स्ट है क्लेंजर, दूसरा था स्क्रब, थर्ड था हमारा मसाज जेल, फोर्थ था मसाज क्रीम, एंड फिफ्थ था फेस पैक, एंड सिक्स्थ था हमारा सिरम। तो उसमें टोटल 6 स्टेप्स अवेलेबल थे। सबसे पहले मैं अपना फेस को क्लीन कर लूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर मेकअप लगा रखा था। तो मेकअप अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। तो सबसे पहला मैं लूँगी फर्स्ट स्टेप जो कि है हमारा डीप प्योरीफाइंग फेस क्लेंज़र। तो यहाँ मैंने हाफ पैक सैशे यूज़ करा था क्योंकि इसका ना बहुत ज़्यादा अमाउंट था क्लेंज़र का, जो कि मतलब ना मैंने पूरी किट में ना सारे जितने भी स्टेप्स हैं ना आधे आधे यूज़ करे थे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा अमाउंट है कि दो जने आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैंने थोड़ा सा क्लेंज़र लिया था, इसमें थोड़ा सा मैंने वाटर ऐड करा था और अपने फेस पे क्लेंजिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्लेंजिंग प्रोसेस हमारा 2 to 3 मिनट्स तक होता है। तो जब भी आप क्लेंजिंग करते हो ना, मेक श्योर आप वाटर टच लेते रहो, क्योंकि अगर आपका फेस पे अच्छे से वाटर नहीं होगा तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, और अच्छा फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्लेंजिंग प्रोसेस आपका सही से नहीं होगा और जितना भी क्लेंजर आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी स्किन। तो जैसे क्लेंजर एब्जॉर्ब होगा तो साथ में जितने भी डर्ट है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्लेंजिंग करने का। तो वाइल डूइंग क्लेंजिंग अच्छे से वाटर टच लेना है आपको हर 10 to 15 सेकेंड्स में। तो जो स्टेप्स हमारे क्लेंजिंग में यूज़ होते हैं ना, वही स्टेप हम स्क्रबिंग में यूज़ करते हैं। तो क्लेंजिंग स्क्रबिंग में स्टेप्स सेम होते हैं बट टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होती है। क्लेंजिंग स्टेप होता है हमारा 2 to 3 मिनट तक, और स्क्रबिंग हम करते हैं 4 to 5 मिनट तक। तो अच्छे से क्लेंजिंग मैंने कर ली। तो फेस वॉश को करने के बाद मैंने सेकंड स्टेप लिया था जो कि था हमारा स्क्रब। तो यहाँ भी मैंने हाफ सेशे लिया था और मैंने स्क्रब में ना थोड़ा वाटर ऐड करके पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया था। उसके बाद मैंने 2 मिनट्स के लिए फेस को छोड़ दिया ताकि जितनी भी डेड स्किन और जो ब्लैकहेड्स है वो थोड़े सॉफ्टन अप हो जाए, तो जब मैं स्क्रब करूँ तो वो ईजिली रिमूव हो जाए। तो मैंने 2 मिनट्स तक लगा के छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर मैंने स्क्रबिंग करी थी, तो मैंने ना स्क्रब को पैक की तरह लगा लिया था पूरे फेस पे और 2 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वाटर टच लिया था, उसके बाद फिर मैंने स्क्रबिंग करी थी। सो एज आई सेड कि जो उनसे स्टेप्स मैं क्लेंजिंग में यूज़ कर रही हूँ सेम वही स्टेप मैं स्क्रब में यूज़ करूँगी। तो यहाँ से मैंने 2 ही स्टेप्स फॉलो करे थे, क्लेंजिंग और स्क्रबिंग, और आप देखो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है, कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। उसके बाद बारी आती है मेरी 3rd स्टेप की जो कि है मसाज जेल। तो यहाँ ना सिर्फ मैं मसाज करूँगी 5 मिनट्स तक, क्योंकि यहाँ पर मसाज के लिए ना 2 स्टेप्स है, एक जेल से करनी है, क्रीम से करनी है। तो एज़ यू नो कि मैं 5 या 6 डेज में फेशियल्स वगैरह करती रहती हूँ, तो मैं मसाज ना थोड़ी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मसाज करने से हमारी स्किन में ना हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोडक्शन के कारण हमारी स्किन में एक्ने हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं मसाज थोड़ी कम ही करूँगी ताकि मेरे छोटे छोटे दाने ना हो फेस पे।
तो मसाज करने से बेसिकली यही होगा कि ये जो जेल है ना मेरी स्किन में पेनिट्रेट होगा, जिससे कि मेरी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट आएगा, मेरी स्किन जो है रिपेयर होगी। तो ये जो जेल था ना बहुत ज़्यादा लाइट था, बिल्कुल भी हैवी जेल नहीं था। तो मैंने फॉरहेड पे भी अच्छे से मसाज करी थी, अंडर आइज भी करी थी, क्योंकि अंडर आइज में बहुत जल्दी हमारे फाइन लाइन्स आ जाती है, मोस्टली लोगों के होती है। तो अगर आप अंडर आइज में भी मसाज करोगे तो फाइन लाइन्स जो है वो रिड्यूस होगी। और अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉन स्किन है तब भी आप मसाज कम करवाना, क्योंकि जिसकी स्किन पे बहुत जल्दी एक्ने हो जाते हैं उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मसाज कराने से आपकी स्किन और ज़्यादा गर्म हो जाएगी और आपके एक्ने हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद बारी आती है हमारी फोर्थ स्टेप की, जो कि है मसाज क्रीम। तो यहाँ मैंने सेम स्टेप्स फॉलो करे थे जो मैंने मसाज जेल में यूज़ करे थे, तो वही मैं सेम स्टेप्स मसाज क्रीम में भी यूज़ करूँगी। यहाँ भी मैंने हाफ सेशन लिया था, थोड़ी सी ली थी मैंने मसाज क्रीम और पूरे फेस पे और नेक पे अच्छे से मसाज करा था इससे। तो अच्छे से मसाज करने के बाद ना थोड़ी क्रीम ना मेरे फेस पर आ गई थी, तो मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से ना पोंछ ली थी थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल अच्छे से मैंने मुंह नहीं धोया था, बस थोड़ा एक्सेस जो जहाँ लग रही थी मुझे कि ज़्यादा है एक्सेस में है वहाँ मैंने पोंछा था। उसके बाद मैंने यूज़ करा था फिफ्थ स्टेप जो कि था फेस पैक, ये भी मैंने हाफ लिया था। इसमें थोड़ा सा मैंने वाटर ऐड करा था क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक थी, और पूरे फेस पर अच्छे से उसको अप्लाई कर लिया था। अप्लाई करने के बाद मैंने 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। और जब भी आप फेस पैक अप्लाई करो ना तो बिल्कुल भी आप बात मत करना, क्योंकि बात करने से आपका जो पैक है ना वो फट जाएगा और आपके फाइन लाइन्स आ सकती है स्किन पे। तो ये ना क्ले मास्क था, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गया था एकदम, तो मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स तक अप्लाई करके रखा था। और हमेशा हमें जो स्किन केयर होती है अपने नेक पे भी करना चाहिए, वरना आपकी फेस का और नेक का कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो मैंने अपनी स्किन को वेट वाइप से पोंछ लिया था। आप चाहो तो फेस को धो भी सकते हो, मैंने वॉश नहीं करा था, मैंने ऐसे ही पोंछ लिया था। उसके बाद था हमारा 6th स्टेप जो कि था सीरम। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगा था कि थोड़ा सा थिक होगा, बट ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा थिन थी, और पूरे फेस पर इसको मैंने अप्लाई छोड़ दिया था। और थोड़ा मुझे एक्सेस लग रहा था ये सीरम, बट आफ्टर 5 मिनट्स ये स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो गया था। एंड गाइस लुक एट माय स्किन, कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है इस टाइम पर, इतना ज़्यादा मुझे अपनी स्किन लाइट वेट लग रही थी, इतनी ज़्यादा ब्राइटन अप हो गई थी मेरी स्किन इसको यूज़ करने के बाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ, मुझे कोई FYC प्रोफेशनल वालों ने पैसे नहीं दिए एक रुपया। और इस फेशियल किट को खरीदना टोटली वर्थ है, बहुत ज़्यादा अच्छी फेशियल किट लगी मुझे, और इतनी ज़्यादा स्किन मेरी सॉफ्ट हो गई थी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो आप ये फेशियल किट ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो मैं इस फेशियल किट को दूंगी थम्स अप, मैं आप सभी को भी रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर परचेज़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।